राज्य स्तरीय अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन को सफल बनाने के उद्देश्य से दरभंगा जिला इकाई की बैठक मनोकामना मंदिर परिषद में की गई है। बैठक का मुख्य उद्देश्य है जो आगामी 7 मई को जो आंदोलन है उसको हम लोग कैसे सफल बनाए और राज्य सरकार को शिक्षा विभाग को हम लोग मजबूर करें जो 3 साल से 7वीं चयन विज्ञप्ति को सरकार भटका रही है, समय समय पे अलग अलग हथकंडा अपना रही है जिससे बहाली लेट होते जा रही है और सरकार फिर ये नगर निकाय में जो कहीं कहीं काउंसलिंग बच गई है उसको फिर से कराने की प्लानिंग में है। तो हम और विभाग ने पूर्व में विशेष चक्री काउंसलिंग से पूर्व में एक लेटर जारी की थी जो ये 6 पेज का आखिरी काउंसलिंग होगा, लेकिन फिर जब देख रही है जो अभ्यर्थी 7वीं चयन की मांग कर रहे हैं कैसे इसको लटका दिया जाए, 7वीं चयन की मांग को कैसे भटका दिया जाए इसकी तैयारी कर रही है। तो हम लोग 7 मई को जो आंदोलन होने वाली है उसको सफल बनाएंगे और छीन करके जो 94,000 बहाली चल रही थी उसमें सिर्फ 41,000 सीटों पे बहाली हो पाई है। तो हम लोग सरकार को मजबूर करेंगे जो शेष रिक्ति जो 50,000 बच गई है और जो 2022 मार्च तक रिक्ति को कैलकुलेट करके 7वीं चयन की विज्ञप्ति अविलंब घोषित की जाए, नहीं तो ये आंदोलन अनवरत जारी रहेगी। धन्यवाद जिला अध्यक्ष आलोक ठाकुर। जारी करो। हमारी बहाली कैसी हो? ऑनलाइन सुनवाई हो। हमारी बहाली कैसी हो? ऑनलाइन सुनवाई हो।